Awzibillahim uh, Nasheedan Rajim, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Today is our remaining uh, part of 10, remaining lecture of part number 10, class 9, subject mathematics. And topic is properties characteristics of trapezium. in previous lecture lecture number 10 we discussed about what trapezium is and now in today's topic we are going to look at the properties characteristics of trapezium so this figure it represents trapezium also called as trapezoid. First feature, first characteristic of trapezium is at least at least one pair one pair of एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पार्लर कम से कम एक जोड़ा जो अपोजिट साइड है वो आपस में पर्ल है तो यहां पर अगर हम देखेंगे ए बी इज पर्ल टू सी डी सो दिस फॉर्म वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड दर्ल ये यहां पर पार्लल है तो हम इसको ट्रिपीज कहेंगे तो ट्रिपीजम में पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कम से कम ट्रिपीजम में कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड जो है वो पर्ल होते हैं वो पार्लल होते हैं इसका मतलब हुआ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैन ऑल्सो भी पार्लल इन ट्रिपीज टू पेयर ऑफ अपोजिट साइडल जो अपोजिट साइड से है वो पार्लल होने चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जोड़े आप जो अपोजिट साइड से है वो भी आपस में पार्लल हो सकते हैं जैसे कि पार्ललोग्राम पार्लोग्राम में ये हो गया वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पार्लल और पार्लोलोग्राम में दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो भी आपस में पार्लल होते हैं तभी तो हम पार्लोलोग्राम कहते हैं पार्लोलोग्राम इज ए कॉर्डिलेटरल इन विच ईच पेयर और बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पार्लल तो ये भी तो एक ट्रेपेजियम ही है यस दिस इज ऑल्सो ए ट्रिपीजियम पर्लोलोग्राम इज ऑल्सो ए ट्रिपीजियम बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपीजियम यूजुअली वी सी अक्सर हम क्या देखते हैं कि एक ही पेयर अपोजिट साइड पर्ल होते हैं उसको हम ट्रिपीजियम कहते हैं मगर अगर हमारे पास दोनों पेयर ऑफ आप अपोजिट साइड पर्ल होंगे तो वो भी ट्रिपीजियम है बट दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपीजम सो पर्ल हो ग्राम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपीजम रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपीजियम एंड स्क्र इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपी जम बट यूजली वी सी की कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स आपस में पर्ल होते हैं ट्रिपीज में तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं यहां पे हम अगर देखेंगे यहां पे अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है हाँ हो सकता है ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो ये वाला साइड इनको हम नॉन पार्लल साइड्स कहते हैं कहते हैं इनको हम नॉन पार्लल साइड्स कहते हैं या इनको लेग्स भी कहते हैं हम तो ये जो नॉन पार्लल साइड्स है ये जो लेग्स है इस ट्रिपिज्म की तो हो सकता है ये आपस में बराबर हो मगर ए बी तो सी डी के बराबर नहीं है सो वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल बिकॉज हे इन दिस ट्रिपीजियम ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी वी कैन से दैट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल मगर अगर हम इस पार्लोलोग्राम में देखेंगे इसमें तो अपोजिट साइड्स बराबर है अपोजिट साइड्स तो आपस में बराबर है ये भी तो ट्रिपीजियम है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रिपीजियम में अपोजिट साइड मे और मे नॉट बी इक्वल ट्रिपीजियम में अपोजिट साइड इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे कि यहां पे इस ट्रिपीजियम में अपोजिट साइड डिफरेंट है मगर यहां पे जो ट्रिपिजम है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिपीजम है जिसको हम पार्लोलोग्राम कहते हैं इसमें तो अपोजिट साइड बराबर होते हैं ओके थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्रिपीजम की है इसकी जो consecutive, consecutive या हम कहेंगे एडजस्टेंट एंगल्स जो है एडजस्टेंट एंगल्स जो है इन पार्ला लाइन के दरमियान जो हमारे पार्ला लाइन है ए बी एंड सी डी यहां पे ये आपस में पार्लल है और पार्लल लाइंस के बीच में जो एडजेसेंट एंगल्स आते हैं या कंजीक्यूटिव एंगल्स आते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं यानी इनका सम 180 डिग्री होता है इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल ये कंजीक्यूटिव एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बिटवीन द पारल लाइंस पैरेलल लाइंस के दरमियान ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरीके से ये एंगल्स जो है दीज आर द एंगल्स, एंगल आर द एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस ठीक देखिए एंगल ए और एंगल बी ये भी एडजेसेंट एंगल्स है ये भी कंसेक्यूटिव एंगल्स है मगर ये पैरेलल लाइंस के दरमियान नहीं है एंगल ए एंड एंगल बी आर डेफिनेटलीज आर नॉट बिटवीन पार्लास ये तो पार्लास के दरमियान नहीं है हा एंगल ए और एंगल डी दीज आर एडजस्टेंट एंगल आर कंजिव एंगल बिटवीन द पार्लाइंस इसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी एडजेंट एंग या हम कहेंगे कंजिकटिव एंगल है बिटवीन द पल लाइन पल लाइन के दरमियान ये दो एंगल बन रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री इनका डिग्री का है तो हम यहां पे लिखेंगे कंजिक्यूटिव एंगल्स Consecutive two angles between between two parallel lines between two parallel lines. Consecutive angles between two parallel lines. Consecutive angles between between two parallel lines. Consecutive angles between two parallel lines are. supply are supplementary that means their sum is 180 degree okay this was the third property then we have the fourth property of trapezium see fourth property is one of the important properties of trapezium that is if we put midpoint of AD suppose this point Suppose this is P. P is the midpoint of AD, and Q. Q is the midpoint of BC. P is the midpoint of AD. Q is the midpoint of BC. If we join the midpoints of these non-parallel sides, or we can say legs, if we join midpoints of the legs.

सी के साथ भी पार्ल होगी इट विल बी पार्ला पी क्यू विल बी पार्लल टू ए बी एस वेल एज सी डी मीन्स इट विल बी पार्लल टू बोथ द पारल साइड्स। तो यही हम लिखने जा रहे हैं द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट joining joining the midpoints of non of non parallel sides or we can say legs the line segment ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन sides साइड और लेग्स चलिए मैं आपको फिर से बताता हूं मैंने क्या लिखा ये जो लाइन सेगमेंट है जो हमने बनाई है जब हमने मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट किनके मिड पॉइंट है लेग्स के मिन मिड पॉइंट है या जो नॉन पार्लल साइड है इनके जो मिड पॉइंट है तो जैसे ही हमने इनको ज्वाइन किया ये जो लाइन सेगमेंट बन गई है ये बाकी जो दो पार्लल लाइंस है उनके साथ भी पार्लल है दैट मीन्स पी क्यू इज पार्लल टू ए बी पी क्यू इज पार्ल टू सी डी दैट मीन्स ऑल दीज थ्री लाइंस आर पार्लर सो वी हैव रिटन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन साइड्स दैट्स लेग्स इज is parallel is parallel to both parallel lines we have to understand this the line segment joining the midpoints of non parallel sides that is legs is parallel to both parallel lines the line segment, the line segment joining the midpoints of non parallel sides, or we can say legs, is parallel. This line segment is parallel to both the parallel lines. Parallel lines are A B and C D and P Q is parallel to both these parallel lines. Okay, this was the fourth property, then we have the fifth property.